मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की एकतरफा घोषणा के बाद विवाद घेरा गया है। अखिलेश यादव की आपत्ति के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच रिश्तों में आई दरार का असर इंडिया गठबंधन पर देखा जा रहा। अखिलेश यादव इन दिनों जोर शोर से पीडीए का राग अलाप रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तस्वीर भी साफ कर दी है। इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने पर पार्टी 80 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए तैयार है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी जो है कांग्रेस क्या करेगी? राजनीतिक जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के बदले तेवर से इंडिया गठबंधन में दरार आ चुका है और कांग्रेस का प्लान बी भी अब तैयार है। कांग्रेस ये तय कर चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश में और विभिन्न राज्यों में अगर लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ना पड़े तो प्लान बी क्या है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस एक छतरी के नीचे है और समाजवादी पार्टी एक तरफा घोषणा के बाद दोनों पार्टियों को 15 सीटों पर ही चौहचत करनी पड़ेगी। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बाहर होने की दिशा पर कांग्रेस का प्लान भी तैयार है। अजय राय के मुताबिक आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस बसपा और रालोद को साथ लेने की कोशिश करेगी। अजय राय का बयान सामने आने के बाद बसपा ने गठबंधन पर एक बार फिर से रुख साफ कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के मुताबिक बसपा ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है और कांग्रेस से बातचीत को खारिज कर दिया। कहा कि गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार मायावती को है। कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की राय अजय राय से बिल्कुल विपरीत है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग पर स्टैंड क्लियर नहीं किया है। बीजेपी नेताओं पर इंडिया गठबंधन में फूट डालने, भ्रम फैलाने के लिए दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया। सुरेंद्र राजपूत के मुताबिक इंडिया गठबंधन बीजेपी की चाल को नाकाम करने को लेकर तैयार है। हालांकि लगातार अखिलेश यादव के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में दरार आ चुका है।